हेलो, आज नई यूनिट स्टार्ट होगी द चाइल्डहुड। ठीक है, मार्कस नेटन ने ये लिखी है। इससे पहले एक यूनिट है, वो यूनिट मैंने स्किप की है। नेक्स्ट टाइम वो यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, द बॉर्निंग वर्जन, द बॉर्निंग वर्जन। ठीक है, तो यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो माई चाइल्डहुड, तो ये लिखी है मार्कस नेटन ने। तो इसके फर्स्ट पैरा में समझाया जाता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। एक्चुअली ये पूरी यूनिट लिखी गई है कि हमारा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। आज के टाइम में ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं कि आज का हमारा टाइम चाइल्डहुड जो है वो कहीं गायब ही हो गया। तो पोइट को ये लगता है कि मेरा चाइल्डहुड गया कैसे, गायब कैसे हुआ। तो कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। तो वो कहते हैं कि क्या मैं 11 साल के बाद, 11 साल का जब हुआ तब क्या ये हुआ। या वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। या फिर वो कहते हैं कि तब जब हम मैंने ये फाइंड किया कि मैं जो हेल और हेवन है वो ज्योग्राफी में हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब रियली अर्थ पे नहीं देख सकते, लेकिन वो होती अर्थ पे ही है। एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और इसीलिए देख नहीं सकते। वॉज दैट द डे, तो वो पूछते हैं क्या वही दिन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो आगे कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर से वो सवाल करके कहते हैं कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल द सेम टू बी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो अपनी बातों को मानते नहीं है, मतलब जो एक्चुअली में वो कहते हैं वो करते नहीं है। जैसे ये जैसे दूर से एडल्ट्स दिखते हैं वैसे एडल्ट्स एक्चुअली में है नहीं। तो ये बातें उन्हें बताई है। और दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, तो वो कहते हैं कि वो लव के बारे में बात करते हैं, वो प्रीच करते हैं लव को, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। तो उनका जो एक्शंस हैं, उनके जो काम हैं वो लविंग नहीं है। तो क्या यही टाइम है वो, मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बड़े लोग रहते हैं, जो एडल्ट्स रहते हैं, वो हमें हमेशा लविंग दिखते हैं दूर से। मतलब बचपन में हर किसी को लगता है कि जो बड़े लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या वैसा होता है नहीं, वो सिर्फ हमारी धारणा होती है। तो वो कहते हैं कि वो एक्चुअली में तो लविंग है ही। क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बड़ा होना है वो बड़ा होना वैसा नहीं है जैसा लोगों को लगता है, वो कुछ अलग ही है। फिर वो तीसरे पैरा में पूछते फिर से कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। तो उन्होंने कहा कि क्या वो दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग ही मेरा है, मतलब मेरे दिमाग में जो थॉट्स है वो सिर्फ मेरे, बाकी कुछ भी नहीं। वो कहते हैं टू यूज़ विच वेयर आई चूज, मतलब मेरा माइंड कहीं भी चूज़ कर सकता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया, या फिर जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट नेवर दैट वर नॉट दीज दोज ऑफ अदर पीपल, तो वो कहते हैं कि दूसरों के थाट्स नहीं पर सिर्फ अपने थॉट्स, बट माय ओन एंड माय अलोन वाज दैट द डे। तो वो कहते हैं दूसरों के थॉट्स नहीं मान के सिर्फ खुद के थॉट्स मानना, क्या ये टाइम था जब मैं बड़ा हो गया। और लास्ट पैरा में वो कहते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, तो फिर वो कहते हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर थोड़े पोएट इमोशनल हो गए, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी फॉरगॉटन प्लेस, मतलब भूली हुई जगह जहाँ जाया नहीं जा सकता। एक तरह से यहाँ पर ऐसा मीनिंग है कि वो ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, या जहाँ से उसे लाया नहीं जा सकता वापस। तो मेरा चाइल्डहुड ऐसी जगह पे फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया जहाँ से कोई उसे वापस नहीं ला सकता। दैट सिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट्स फेस मतलब कि बहरूपे का चेहरा। तो वो कहते हैं कि वो गायब हो चुका है, वो छुप चुका है किसी बहरूपे चेहरे में जो मुझे नहीं पता कहाँ है, और मेरा चाइल्डहुड अब नहीं आएगा। दैट्स ऑल आई नो, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो अब मेरे पास नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये सिंपल सी पोयम है, ये सिर्फ आप लोगों को रियलाइजेशन के लिए थी कि आपका जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चाइल्डहुड में लोग, बच्चे लोग ये सोचते हैं कि बड़ा होना है, बड़ा होना है, पर एक्चुअल में बड़ा होना उतना भी अच्छा नहीं होता, वो उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि चाइल्डहुड ही बेटर था। तो ये पोयम पूरी उसी पर। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। कल हम लोग वो वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे द ब्राउनिंग। ठीक है।